साइमन लो यूनिट टू, आज से हम यूनिट टू में पढ़ने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आपके यूनिट टू में रखे गए जिसका नाम है साइबर क्राइम्स एंड साइबर लो, आईटी एक्ट 2000, साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमिटी, वायलेशन डैमेज और पेनल्टीज रिगार्डिंग टू साइबर फ्लाइंग, साइबर रेगुलेशंस अपीलेट ट्रिब्यूनल, कॉम्पोजिशंस क्वालिफिकेशंस पावर एंड राइट्स, ये सभी सारा चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए हम पहली शुरुआत करते हैं साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम किसको कह सकते हैं? सो साइबर क्राइम इज अ पॉइजन वाइड स्प्रेड इन अवर प्लैनेट। ये एक पॉइजन ही है जो अभी फैल रहा है अपने प्लैनेट के अंदर, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जितने सारे लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ये पॉइजन फैलता जा रहा है, और ये मिलेनियम ईयर में भी ये इतना फैलता है कि आप उसका सोच भी नहीं सकते। सो साइबर क्रिमिनल कैन डिस्ट्रॉय वेबसाइट्स एंड पोर्टल। ये जो क्रिमिनल होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं वो अपनी वेबसाइट्स या अपने पोर्टल को या अपने डेटा को डिस्ट्रॉय करने में जुड़े रहते हैं। उसका मकसद ही ये होता है कि वी कैन डिस्ट्रॉय, जस्ट डिस्ट्रॉय द डेटा, जस्ट डिस्ट्रॉय द वेबसाइट, जस्ट डिस्ट्रॉय द पोर्टल्स। सो यूजिंग हैकिंग एंड प्लांटिंग वायरस, वो हैकिंग के कई सारे मेथड को यूज करते हैं और वायरस क्रिएट कर वो ऑनलाइन फ्रॉड्स करते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। यानी कि एक जगह पर बैठकर दूसरे लोगों को जो बोले वाले हैं जिनको इंटरनेट के बारे में पता नहीं है उनके साथ वो इतना दुर्व्यवहार करते हैं कि उनके पास उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कभी कभी उसको हैरेसमेंट भी करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या एनीथिंग। कभी कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्रिएट कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डेवलप कर वो इंटरनेट पर डाल देते हैं। तो ये सारा हैकिंग और क्रैकिंग और प्लांटिंग वायरस में हो रहा है, यानी कि किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुराना, किसी का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, किसी को हैरेसमेंट करना बाय ईमेल, और किसी की पोर्नोग्राफी यानी कि जो एक लेस देन 18 है उसका पोर्नोग्राफी क्रिएट करना और इंटरनेट पे उसको फैलाना, वो हैकिंग और प्लांटिंग ऑफ द वायरस ये साइबर क्रिमिनल लोग ही करते हैं। So it is said that none is secure in the cyber world. यानी कि हम और आप, हम कभी भी secure नहीं हो सकते इस प्रकार के cyber crime की दुनिया में। यानी कि कोई भी person secure नहीं है इस cyber world में। आपका data भी कोई ना कोई institute या कोई ना कोई organization या कोई ना कोई websites आपका सभी प्रकार का behavior वो notice कर रहा है। यानी कि इंटरनेट पे जब आप जाते हो, इंटरनेट पे जब आप कुछ सर्च करते हो, वो सब कुछ आपका डेटा स्टोर करता है। सो क्या होता है, ये ग्रोइंग ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट, ये इतना इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, इतना उसका स्पीड भी बढ़ता जा रहा है, तो साइबर क्राइम वुड अफेक्ट अस। इसलिए साइबर क्राइम हमको अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। सो You should understand impact of our economy. यानी कि ये अर्थतंत्र पे भी इफेक्ट कर सकता है। अगर साइबर क्राइम यानी कि साइबर क्राइम का जितना भी असर होता है वो आपके अर्थतंत्र पे, आपकी इकोनॉमी पे भी वो असर करेगा। जैसे ही मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था कि एयर इंडिया के अंदर लास्ट फेब्रुआरी तक, यानी कि फेब्रुआरी 2021 तक अटैक हुआ था, उनके सभी सारे डेटा चुरा लिए गए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट अपने सभी सारे कस्टमर को भेजा कि काइंडली चेंज योर पासवर्ड ऑफ आवर अकाउंट्स, ऐसा उन्होंने मैसेज स्प्रेड किया था। सो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। फेब्रुआरी 6 और फेब्रुआरी 8 यानी कि 2000 के अंदर सबसे बड़ा डार्केस्ट नाइट था। उस दौरान इतना सारा साइबर क्रिमिनल हुआ था कि ई-कॉमर्स की मोस्ट ऑफ द साइट्स आर हैक और क्रैक, और उसमें से जो वेबसाइट थी जिसका नाम है yahoo.com, buy.com, amazon.com, और वो सभी सारी वेबसाइट चॉकअप हो गई थी और वो शटडाउन किए गए थे। यानी कि 2 या 3 आवर्स या 4 आवर्स या 6 आवर्स, डिपेंड्स ऑन द इफेक्ट,
वो सभी सारी सर्वर सभी सारी वेबसाइट्स बंद किए गए थे। ये बात है फ़रवरी 6 और फ़रवरी 8 के दिनों की बात है 2000 के ईयर में। साइबर क्राइम को अगर हम समझे तो वो 4.1% ग्रोइंग हो रहा है पर वीक, एक वीक के अंदर वो 4.1% बढ़ रहा है। और उसका एग्जांपल आपको शुरुआत के दिनों में बताता हूँ, December 31, 1999 यानी कि 99 में, January 1, 2000 में यानी कि लास्ट डेट ऑफ 99 एंड फर्स्ट डेट ऑफ 2000, वहाँ पे आपको इसका बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। वहाँ से अपनी स्टोरी शुरू हुई बिकॉज ऑफ Y2K ईयर ऑफ 2000 प्रॉब्लम। अब ये दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आई लव यू नाम का वायरस सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और ये जो वायरस है वो US के अंदर जितना लॉस किया था वो था $10 बिलियन। देख लीजिए इतना सारा लॉस ये सिर्फ एक वायरस ने किया था जो आई लव यू नाम का वायरस है। सर ये बात हुई वर्ल्ड के बारे में, अब इंडिया के बारे में बताइए तो ये साइबर क्राइम इंडिया क्या है, जरा देखिए। लास्ट ईयर यानी कि जब ये बुक मैंने पढ़ा था उस दौरान की बात है, लास्ट ईयर हैकर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैक मोर देन 40 इंडियन वेबसाइट्स। पाकिस्तान के अंदर से जो हैकर है उन्होंने हमारी 40 वेबसाइट्स को हैक किया था। अब जिस ग्रुप का नाम है जी फोर्स, उस पर्टिकुलर ग्रुप जो हैकिंग के ग्रुप होते हैं कई सारे, उसमें से जो पाकिस्तान का ग्रुप है उसका नाम है जी फोर्स, उन्होंने हमारे सेवरल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हैक की थी, जिसमें पहला वेबसाइट का नाम है इंडियन साइंस कांग्रेस, दूसरे का नाम है एशियन एज न्यूज़पेपर, तीसरे का नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र, IIM अहमदाबाद, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड IIT मद्रास। ये सभी सारे वेबसाइट्स पाकिस्तान ऑफ हैकर्स का ग्रुप जिन्हों का नाम था जी फोर्स, उन्होंने ये सभी सारे वेबसाइट्स को हैक किया था, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी और इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश की थी। इसके अलावा सेकंड मोस्ट एक्टिव ग्रुप है जिसका नाम है डॉक्टर नुकर, यानी कि ये जो हैकिंग का ग्रुप है जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो डॉक्टर नुकर नाम का ग्रुप है वो इंडियन पार्लियामेंट की वेबसाइट्स को हैक किया था, टेलीफोन एक्सचेंज अहमदाबाद को हैक किया था, यूनाइटेड नेशन इंडिया की वेबसाइट्स हैक की थी। और तीसरा ग्रुप है जिसका नाम है नाइटमैन, यानी कि ये भी हैकर्स का नाम है जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स को ही हैक करता है, और उन्होंने करीबन 15,530 करोड़ रुपया जो हमारी इंडियन वेबसाइट्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड करती है इन सभी सारी चीज को सिक्योर करने के लिए, उस पे पानी फेर दिया था। यानी कि हमारे गवर्नमेंट ने 15,530 करोड़ रुपया इंडियन वेबसाइट्स को सिक्योर करने में लगाया था, वो सभी सारे वेबसाइट्स पे जीरो यानी कि पानी फेर दिया था। तो ये सारे ग्रुप्स आपके गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को, आपके प्राइवेट वेबसाइट्स को हैक करते हैं, क्रैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। अब सर ये साइबर क्राइम करने के बाद क्या होता है तो जरा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। द इंडियन लॉ डज नॉट डिफाइन द टर्म साइबर क्राइम, यानी कि हमारा जो भारतीय रूल्स है, भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो रूल्स बनाए गए हैं लॉ के बारे में, वहाँ पे साइबर क्राइम नाम का वर्ड उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो सर उसका इंफॉर्मेशन हमको कैसे पता चले? इट इज नॉट नाइदर डिफाइंड इन IT Act 2000। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया उसमें भी उसको नहीं दर्शाया गया। और दूसरा एक अमेंडमेंट एक्ट था 2008 में आया, उसके अंदर भी उनको लेजिस्लेशन में उसको मेंशन नहीं किया गया। तो साइबर क्राइम को किस तरह से वो डिफाइन करते हैं अंडरस्टैंड कीजिए। साइबर क्राइम आर डिफाइंड एज एनी इलीगल एक्टिविटी कैरीड आउट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट, यानी कि अगर आप साइबर क्राइम करते हो तो उसको ऐसी एक्टिविटी कंसीडर किया गया है जो इलीगल है, जो आप कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हुए, आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए, आप उसके साथ इलीगल फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्शंस करते हो।
तो क्लाइंब डाउन टू अ टारगेट कंप्यूटर सिस्टम थ्रू वेरियस मींस, और उसका मकसद कहीं अलग से होता है। तो साइबर लॉ कब लगेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। साइबर लॉ और कंप्यूटर लॉ इन ईच कंट्री अगेंस्ट दिस क्रिमिनल एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस। यानी कि हम साइबर लॉ लेकर क्यों आए, क्योंकि साइबर लॉ एक ऐसा लॉ है जो हर एक कंट्री के अंदर जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाना और बाकी सब सिटीजन को उसके साथ प्रोटेक्शन में रखना। यानी कि सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर लॉ लेकर आए, जो साइबर लॉ आपके क्रिमिनल एक्टिविटी पे लग सकता है। तो साइबर क्राइम फर्स्ट कब हुआ था, तो जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका डेफिनेशन भी और थोड़ा उसका एग्जाम्पल भी। तो देयर कैन बी टू डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। पहला साइबर क्राइम डेफिनेशन कहाँ उन्होंने अटैच किया, तो इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। यानी कि साइबर क्राइम अगेंस्ट ओनली दोज ऑफेंस प्रोवाइडेड इन आईटी एक्ट 2000 में। यानी कि आईटी एक्ट 2000 में जितने सारे साइबर क्राइम के लिस्ट किए गए हैं वहां से आपका साइबर लॉ लग सकता है। और एज पर डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम, mainly restricted tampering with your computer source code, hacking and cyber pornography. ये तीन चीज पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के साइबर लॉ लग सकते हैं। पहला tampering with computer source code, यानी कि किसी भी computer source के साथ आप tampering करते हो। tampering करना यानी कि उसके साथ तोड़फोड़ करना या फिर modified करना या फिर alter करना या फिर something else करना। hacking, जो मैंने बताया किसी चीज को hack कर लेना, किसी चीज पे हावी हो जाना। और साइबर पोर्नोग्राफी, मैंने वो बताया 18 के एज के नीचे के लोगों को किसी भी प्रकार का पोर्नोग्राफी डेवलपिंग करना और उसको डिस्प्रेड करना, वो सभी सारा साइबर क्राइम में आता है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड, किसी को फ्रॉड करना ऑनलाइन, हेरेसमेंट करना ऑनलाइन, ईमेल मिसयूज करना, किसी का ईमेल चुरा कर किसी को और भेजना और उसकी क्रेडिट को कहीं सारे क्रेडिट को लूज करना, आईपीआर थेफ्ट यानी कि किसी ने अच्छा वाला प्रोडक्ट बनाया और उसकी कॉपी करना, या फिर किसी प्रोडक्ट को आप किसी जगह से कॉपी पेस्ट करते हो, वो क्लासिफाइड किया गया है एज अ साइबर क्राइम। दूसरा साइबर क्राइम किसके बारे में समझते हैं, साइबर क्राइम एक ऐसा एक्ट है और ऐसा कमीशन है, ऐसा ऑमिशन है जहाँ से किसी चीज की इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो, और उसको प्रोहिबिटेड किया गया है किसी लॉ के अंदर, जो पनिशमेंट के लिए आता है, जो मॉनिटरी बेस पे आता है, जो फिजिकल बेस पे उसको कंसिडर किया जाता है। तो साइबर क्राइम कैन बी एज सेड एक्ट ऑफ कमीशन और ऑमिशंस That committed on the through or with the help of connected with the internet, यानी कि इंटरनेट के साथ जुड़े हुआ सभी सारा जो actions हो रहा है वो चाहे directly हो या indirectly हो, जो prohibited किए गए हैं किसी लोग के अंदर, उसको हम punishment के तौर पे ले सकते हैं, किसको हम दंड के तौर पे ले सकते हैं, और बाकी सब consider को किया गया है। So IT Act 2000 के अंदर उसको punishment मिलता है जो साइबर ऑफेंस के अंदर आते हैं। यानी कि वहाँ पे दर्शाए गए सभी सारे क्राइम को हम आईटी एक्ट 2000 के तौर पे उसके साइबर लॉ लगा सकते हैं। सो उसका एग्जांपल के तौर पे आज समझा रहा हूँ, जरा देखिए। इफ अ पर्सन थ्रू इंटरनेट थ्रेटन एनी पर्सन विद द कोजिंग ऑफ डेथ और हर्ट, किसी एक पर्सन ने इंटरनेट के माध्यम को यूज करते हुए किसी एक और पर्सन को उसको धमकाया, उसको डराया और फिर उसका डेथ हो गया या फिर वो पागल हो गया, तो ये भी एक साइबर क्राइम को कंसिडर किया जाता है। ही शैल बी लायबल फॉर द ऑफेंस, यानी कि इसको साइबर क्राइम क्रिमिनल लग सकता है, साइबर लॉ लग सकता है, जिसका सेक्शन 506 इंडियन पेनल कोड आईपीसी एक्ट के धारा के मुताबिक आपको 506 का सेक्शन लग सकता है, जो 1860 में उसको मेंशन किया गया है। इट इज नो ऑफेंस अंडर आईटी एक्ट, यानी कि इसको हम आईटी एक्ट के अंदर नहीं ले जा सकते, लेकिन ये साइबर क्राइम कंसिडर करते हैं किसके अंदर,
इंडियन पेनल कोड आईपीसी, यानी कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन नंबर 506 1860 के अंदर ऐसा एक माहौल, ऐसा एक एग्जांपल के साथ वहां पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप किसी चीज को, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन धमकाता है, किसी एक पर्सन को आप उसको डराने की कोशिश करते हो, और अगर वो पर्सन डेथ हो जाता है या फिर वो पूरा पागल हो जाता है, तो ये धारा आपको लग सकती है। दूसरा एग्जांपल, व्हेन पर्सन चीट अनदर पर्सन ऑन इंटरनेट, अगर कोई एक पर्सन है जो एक पर्सन को, दूसरे पर्सन को इंटरनेट का यूज करते हुए उसको चीटिंग करता है, तो उसको भी चीटिंग अंडर सेक्शन 422 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक 420 की धारा लग सकती है, और उसको भी आप साइबर क्राइम के अंदर साइबर लो लगा सकते हो। यानी कि ये एक्ट भी वहां पे आईटी एक्ट 2000 में नहीं है, फिर भी ये साइबर फ्रॉड के तौर पे कंसीडर किया जाता है, और उसको हम 420 की सेक्शन लगाकर इंडियन पेनल कोड को यूज करते हुए उस पे धारा ये लग सकते। तो साइबर क्राइम है क्या? तो साइबर क्राइम को हम समझे तो ओल्ड क्राइम, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का ओल्ड क्राइम करते हो जो आपके मीडियम ऑफ इंटरनेट के साथ हो रहा हो, यानी कि आपने किसी को धमकाया, आपने सीधा धमकाया नहीं है, फेस टू फेस नहीं धमकाया, आप इंटरनेट के माध्यम से धमका रहे हो, तो वो धमकाना वो पुराना क्राइम है, यानी कि वो पुराने क्राइम में लिस्ट किया गया है किसी को धमकाना, लेकिन आपने यूज किया इंटरनेट का माध्यम, तो वो साइबर क्राइम में आ सकता है। न्यू क्राइम जो आप इंटरनेट के यूज करते हुए करते हो, यानी कि हैकिंग करना, किसी के मोबाइल के अंदर, किसी के पीसी के अंदर वायरस को प्लांट करना, या फिर किसी की प्रोडक्ट को चुराना, उसका कॉपी पेस्ट करना, ये सभी प्रकार के न्यू क्राइम कहे जाते हैं। न्यू क्राइम यूज्ड विद ओल्ड क्राइम, अगर आप ओल्ड क्राइम को अपने नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए क्राइम के साथ मिक्स करते हुए यूज करते हो, जैसे कि पहले मैंने बताया था किसी को डराना, आप किसी के घर पे जाकर डराते हो, वो ओल्ड क्राइम है। आप वही चीज डराने की बात आप इंटरनेट के साथ करते हो, तो वो भी एक नया क्राइम है, इंटरनेट के माध्यम के साथ आपने ओल्ड क्राइम को दोहराया है, तो ये सारा चीज आप पे साइबर क्राइम में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट, आपका डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, यानी कि साइबर क्राइम लगा या फिर साइबर लॉ लगा, तो आपका एविडेंस कौन सा होगा, तो ये दो चीज आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट अंडर आईपीसी डिनोट्स, यानी कि इंडियन पेनल कोड के मुताबिक जो भी आपने एक्सप्रेस किया है, जो भी आपका सब्सटेंस है, चाहे वो लेटर्स हो, फिगर्स हो, मार्क्स हो, यानी कि आपने निशान किया है, आपने उसको लेटर लिखा है, या फिर आपने किसी की प्रकार का उसके ऊपर एक्सप्रेशंस डाला है, तो वो सब कुछ सेक्शन 29 के मुताबिक आपका डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इट वाज परसीव्ड दैट ऑफेंस फॉल्सिफिकेशंस ऑफ डॉक्यूमेंट डिड नॉट अप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यानी कि किसी ने आपका डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट बनाया, जिसको हम फॉल्सिफिकेशन कहते हैं, यानी कि डुप्लीकेट, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट, तो वो डुप्लीकेट वाला डॉक्यूमेंट बनाया है, वो आप अपने रिकॉर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये मेंशन किया गया है सेक्शंस 463 इंडियन पेनल कोड के मुताबिक। याद रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है डिड नॉट कवर विद इट्स फील्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मानते या फिर नहीं गिना जाता, तो याद रखिएगा। तो सर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है क्या, समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मींस डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड इमेज साउंड्स रिसीव और सेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड, यानी कि अगर आपने मेमोरी कार्ड यूज किया है, अगर आपने इंटरनेट के माध्यम का यूज किया है, अगर आपने माइक्रोफिल्म का यूज किया है, और आपके उसी पर्टिकुलर डेटा और रिकॉर्ड और डेटाबेस को या इमेज को या साउंड को आपने सेंड और रिसीव किया है, तो सेक्शन नंबर 2/1 ऑफ टी आईटी एक्ट 2000 में उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसीडर किया गया है। नाउ एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, देखिए
सेक्शंस इंडियन पेनल कोड की सेक्शंस 106 ये कहता है कि पब्लिक सर्वेंट फर्मिंग इन करेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी, पब्लिक सर्वेंट यानी कि जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वैसे लोग इन करेक्ट डॉक्यूमेंट को किसी ना किसी को इंजरी करवाते हैं, वो भी आपका सेक्शन ये लग सकता है। फैब्रिकेट किया हो कोई फॉल्स एविडेंस को, कोई फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट किया हो, फैब्रिकेट यानी कि उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया हो, वो इंडियन पेनल कोड 192 लग सकता है। और आपने किसी के डॉक्यूमेंट पे फेक साइन किया हो जिसको फॉर्जरी कहा जाता है तो आपको 463 सेक्शन लग सकता है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है जब आप किसी भी इंटरनेट पे किसी को भी साइबर क्राइम या फिर साइबर क्राइम का लो लगाकर रोक सकते हैं।